टू बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके संग एक वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने घर में मटर पनीर कैसे बना सकते हो। तो चलिए मेरी वीडियो पर इन तक बने रहिए और देखते हैं मेरा वीडियो। कट करे हैं और ये मैंने चार टमाटो कट करे हैं और ये मैं गार्लिक है और ये जिंजर है और ये चिली और ये मूंगफली के दाने हैं। इन सबको मैं अच्छे से बॉयल करूंगी और ये पनीर है मेरा और ये मेरी मटर है। तो मैं अब इन सबको बॉयल करने के लिए रखूंगी। मैंने इसे बॉयल करने के लिए अब ये मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब मैं इसे जार में डालने जा रही हूँ। और अब मैं इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लूंगी। बर्तन में निकाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब ये अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूंगी। मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है। अपना बैटर डालने जा रही थी जो मैंने मिक्सी में पीसा है। अब मैं इसमें पनीर मसाला थोड़ा सा निकाला मैंने। ये मेरा पनीर मसाला है और मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है। और ये काश्मीरी मिर्च, ये काश्मीरी मिर्च है। और थोड़ा सा गरम मसाला ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और अब मैं इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी, तो ये मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली। अब मेरा बैटर एकदम पक्के तैयार हो गया। देखिए ऑयल छूट गया है यानी कि अब पक गया है। अब मैं इसमें जो मसाला मैंने निकाला है अब मैं इसमें डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब इन मसालों को मैं 2 मिनट पकाऊंगी। अब मैंने ये
पनीर की छोटी छोटी देखिए पीसेस कर ली हैं, छोटी छोटी पीसेस मैंने पनीर की कर ली हैं। और मैंने ये मटर को बॉयल किया है क्योंकि जो ये स्टोर की मटर होती है थोड़ी सी कड़ी होती है, इसलिए इसको बॉयल कर ले तो बहुत अच्छे से होता है। मेरा अब ये मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। और मैंने इसमें मटर डाल दी है और अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ अपने स्वाद के अनुसार। और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। अच्छे से पक रही है, अभी थोड़ा सा इसे और पकाएंगे, ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। मटर पूरी अच्छे से पक गई है, ये देखिए ग्रेवी खूब गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी गार्निश के लिए डाल दूंगी। मेरे पास हरी धनिया नहीं है, अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप उससे अच्छे से इसमें डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है। अब देखिए मेरी मटर पनीर बनकर रेडी हो गई है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।